एंजाइटी ऐसे इश्यूज हैं जो यूजुअली हम किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी वे में डील कर रहे हैं, डेली डील कर रहे हैं. इट्स बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. आज हम उसी के बाद में बात करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन साई महिमा. आज मैं कुछ वेज के बारे में बात करूंगी विच आर वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव. डे टू डे बेसिस पे आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही आपको लगेगा कि लाइफ के हैक्स हैं जो प्रैक्टिकली मैंने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ किया हुआ है, देखा है अपने नोन में, एंड एक्चुअली वर्क्स. सबसे पहले रीजन ढूंढना, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ योर स्ट्रेस, एंजाइटी, आपको क्यों हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट माइट बी बिकॉज ऑफ बोर्डम, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, बिकॉज आपको वो पीस नहीं फील हो रहा है, बिकॉज यू आर टू लोनली, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, ये रीज़न होता है. सेकेंड रीज़न द एग्जैक्ट ऑपोजिट, मे बी यू टू क्लटर्ड विद टू मेनी पीपल एट योर प्लेस एंड यू आर स्टक इन दैट सिनेरियो. आप कुछ ज़्यादा लोगों के बीच में हो जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है, सेम आपका वेव लेंथ नहीं है, तो उस वजह से पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है. इट कुड बी प्रोफेशनल रीजन, यू लॉस्ट योर जॉब और यू आर नॉट अर्निंग टू वेल, सो स्ट्रेस फॉर दैट रीजन. सो कुछ भी हो सकता है. फॉर योर हेल्थ अगेन, दैट इज़ अ वेरी बिग रीजन जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, बट दैट इज़ समथिंग विच वी कैन वर्क अपॉन एंड वी शुड वर्क अपॉन. तो ये कुछ रीजन्स हैं बिकॉज जिसकी वजह से आप यूजुअली स्ट्रेस फील करते हैं कहीं ना कहीं. अदरवाइज छोटे छोटे दिन भर में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं बिकॉज एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं होती है. सो वट एवर फील इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अस मेक्स अस स्ट्रेस्ड इन अ वे. सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, कुछ छोटे वेज जिसका हम दिन कैसे शुरू करें, एंड करें, दिन में क्या क्या करते रहें हम थ्रू आउट द डे, विच कीप्स अस मोटिवेटेड, विच कीप्स अस स्पिरिट्स हाई और हमें लो फील ना हो, एनजाइटी वो इश्यूज़ ना हो, ये सब प्रॉब्लम्स ना हो. सबसे पहले मैं बात करूंगी, एज सून एज यू गेट अप जस्ट इंश्योर कि आपके रूम में लाइट आ रही है, ब्राइट लाइट आ रही है, यू ओपन योर कर्टन्स अवे और वो लाइट आ सके, बिकॉज दैट इज़ सिनोनिम टू पॉजिटिव थिंकिंग. जितना आप एक रूम में हो, इफ़ यू डार्क रूम में हो, इफ़ यू आर केप्ट अलोन, सो दैट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, यू लोनलीनेस, दैट समबडी हैज़ अबैंडन्ड यू विच यू डोंट वॉन्ट. सो डेफिनेटली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आर अलोन एट वेर एवर यू लिविंग. But if you start your day that way, तो positivity आती है. Start your day with fresh air. आप बाहर निकलिए अपने room से, wherever you get that fresh air. आप जहाँ पे greenery हो, आपके कुछ plants हैं, आपने कुछ kitchen garden लगाया हुआ, that's the best thing you can always do for yourself. Organic आपको vegetables भी मिल जाएंगे, herbs भी मिल जाएंगे, plus in a way आप साथ साथ उसके साथ बहुत connect कर सकते हो. So spend some time with mother nature. That's very very important. That heals you from within. देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, इट माइट साउंड फनी बट इट्स वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी फुलफिलिंग. मेक स्टार्ट योर डे बाय मेकिंग योर ओन बेड. डोंट रिलाई ऑन अदर पीपल. कोई भी अगर आपके घर में हाउस हेल्प भी है तो उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए. दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट व्हेन यू मेकिंग योर ओन बेड. व्हेन यू हैड अ गुड नाइट स्लीप द लास्ट नाइट, दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड जस्ट इंश्योर यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अलार्म क्लॉक्स व्हेन व्हाइल यू आर गेटिंग अप. दैट विल ensure that you're following a biological clock. आप एक time पे सो रहे थे, आपका system बन जाएगा, body used to हो जाएगी. When you're feeling energetic, आपकी body की repairing जो properly हुई है, mentally also you'll find that solace, your that peace of mind, and you'll feel energetic the moment you get up. So automatically आपकी energy spike up हुई होगी आपका, क्योंकि cortisol level low होता है the moment you get up. But you need to have that recovery, wear and tear आपके muscles का, आपके tissues का proper होना important है. To have that great sleep, it's very important to sleep on time. और alarm clock से हम दूर रहें, हमारा एक biological clock setup हो जाए, we are getting on time and then we are making our own bed. Then it's very important, सोने से पहले, एक रात पहले, make your own to-do list, which means आप आज क्या करने वाले हो, वो काम jot down करना बहुत important. It can be as small a work as reading a book, or maybe you want to cook one dish. तो कुछ भी, आई डू दैट थिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव. जितना आप छोटे छोटे टास्क लिस्ट डाउन कर रहे हो थ्रू आउट द डे, दैट दिस इज समथिंग विच आई हैव टू कॉन्कर टूडे. सो वॉट हैपन्स इज बाय द एंड ऑफ द डे वेन यू सी योर लिस्ट, और जब आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टास्क आपने कम्प्लीट कर ली हैं, दैट दे आर ऑलरेडी टेक, दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड यू आर मोर सॉर्टेड थ्रू आउट द डे. कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, यू आर नॉट जस्ट लॉस्ट, यू आर नॉट जस्ट वॉन्डरिंग, यू एग्जैक्टली नो किस टाइम पे आपने क्या करना है. सो यू मोर सॉर्टेड, और जब आपकी लिस्ट आप देखेंगे कंप्लीट होने लगी है, द मोर यू ऑफन यू ट्राई दिस डेली, वो कंप्लीट कर पा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क, यू आर एबल टू नॉक देम ऑफ. सो यू सी यू
यू आर अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, यू हैव दोज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू एंड यू नो कि आपने कुछ टारगेट सेट किया, यू आर एबल टू मीट अप. अदरवाइज अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं किया है, सो ऑफकोर्स यू डोंट हैव एनी थिंग टू मीट अप टू. सो टू मेक अप दोज एंड्स वेन यू रियलाइज कि वो आप कर पा रहे हो, दैट मेक्स यू वेरी वेरी हैप्पी, दैट मेक्स यू वेरी वेरी पॉजिटिव एंड यू फील कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ. दैट इज नॉट समथिंग इफ यू एक्चुअली रियलाइज, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अननोटिस भी चली जाती हैं. सो यू डू स्मॉल थिंग, मेक अ नोट ऑफ इट एंड उसकी लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजिंग, moving yourself, which is very simple. We all know the relevance of that, lekin practically I know many of you don't implement that. So it's very important, give yourself those 15 minutes, that quality time that you are able to rejuvenate your mind, body and soul. Uska alignment तीनों का ही होगा जब आप एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं. उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, नेवर फॉरगेट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट हेल्प्स काम योर नर्वस सिस्टम ऑल्सो, दैट हेल्प्स काम योर माइंड ऑल्सो, रिलैक्सेज योर मसल्स ऑल्सो, बॉडी ऑल्सो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डीप ब्रीदिंग, बिकॉज मेनी ऑफ अस आर नॉट इवन अवेयर हाउ टू डू दैट. तो वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनहेल एक्सहेल, आपको 6 seconds आप अपनी ब्रेथ है वो इनहेल कर रहे हैं, देन उसके बाद आप 7 seconds के लिए उसको होल्ड पे कर रहे हैं, देन उसके बाद 6 seconds के लिए, फिर उसके बाद एक्सहेल कर रहे हैं. आई टॉट यू दैट एज वेल. तो इस तरह से टेक्निक होते हैं. तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने ब्रेथ पे कंट्रोल लेना, उस पर ध्यान देना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी अदरवाइज वी आर जस्ट लिविंग फॉर द सेक ऑफ लिविंग, वी डोंट नो इवन हाउ टू ब्रीथ. सो वो आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलैक्सेशन देता है. देन मेडिटेशन इज वन थिंग, अगेन यू कांट गेट अ होल्ड ऑफ दैट इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज. सो अगेन यू नीड टू बी डूइंग इट, प्रैक्टिसिंग इट कॉन्टिन्यूसली टू बी एबल टू मास्टर इट. इट्स एन आर्ट. तो मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन वेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड, आई वुड से इट्स नॉट समथिंग कि मॉर्निंग में करिए या रात में करिए. वेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड, यू शुड हैव दैट रियलाइजेशन कि उस टाइम पे आप मेडिटेट कर रहे हैं. अगेन आपका सेंसेस आपके कंट्रोल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज इफ यू ट्राई टू कंट्रोल अदर पीपल और सिचुएशंस, अगेन यू विल बी डीमोटिवेटेड बिकॉज दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, फोकस ऑन दैट विच इज़ योर माइंड, विच इज़ योर एनर्जी, हाउ यू वॉन्ट टू ड्राइव योर सेल्फ. सो स्टेइंग पॉजिटिव इज ऑलवेज इन आवर कंट्रोल. आई नो सेइंग दैट इज मच ईजियर दैन डूइंग इट, बट अगेन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नो मैटर वॉट, इवन इफ़ यू स्टेइंग होम द एंटायर डे, यू हैव नथिंग टू डू, आपका ऑफ भी है, कुछ नहीं करना है, स्टिल यू आर ड्रेसिंग अप. इट्स एज सिंपल एज दैट. पैम्परिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डू इट एवरी सिंगल डे. सो पीपल माइट मेक अ मॉक ऑफ यू और दे वुड फील दैट या दिस इज नीडलेस टू डू, बट या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर अ पर्सन हु, इफ यू आर अ मेल, ग्रूम योर सेल्फ, बी नाइस, ड्रेस अप. इफ यू आर अ फीमेल, इफ यू लाइक मेकअप, डू सम मेकअप, पैम्पर योर सेल्फ, गिव दैट मी टाइम टू योर सेल्फ. यू जो यू हैव टू फील दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ फीलिंग ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो शो दैट टूवर्ड्स योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली अदर पीपल विल रियलाइज योर इंपॉर्टेंस एंड यू विल फील ऑनर्ड टूवर्ड्स योर सेल्फ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव गॉट दिस बॉडी, सो वैल्यू दैट ऑल्सो एंड यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी. सो यू विल फील योर स्ट्रेस लेवल्स आर गोइंग डाउन एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं सेल्फ केयर की बात करती हूँ कि अपने लिए वो मी टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इट्स फॉर 5 minutes, इट शुड ऑलवेज बी अ की थिंग इन योर लाइफ दैट यू आर टेकिंग टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. जो भी चीज़ आपको खुश करती है, बी इट योर हॉबी और टेकिंग टाइम आउट फॉर योर सेल्फ टू पैम्पर योर सेल्फ, मेकिंग क्लीनिंग, अप्लाइंग नेल पॉलिश, बी इट एनी थिंग, पैम्पर योर सेल्फ इन एनी विच वेज यू फाइंड peace, talking to your friend for 10 minutes, so whatever, it could be anything for anyone, cooking your favorite dish which you like, baking, that's a big time stress buster which I always do, so whatever makes you happy, if you have a hobby of painting, painting de-stresses many people, so do that, even if you're not good at it, hobby doesn't mean you are a great artist, but yeah, that makes you very very contented, very very happy, so that's very important. So I hope this video is very useful. Try them out. Do mention in the comment section how you found the video. Do try them out. These are very simple tricks, very practical things. I have not made a video on very difficult things. These are very go-to things. Your daily routine mein, daily life hacks hai, use kar sakte hai. And you'll feel ki aapka stress levels, anxiety, if you're a person who is facing depression. Again, medication is a separate thing, but doing these things on your own is very, very crucial. So I hope you find this video useful. Do share the video as much as possible. Bye-bye.